मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश रहमत की बारिश बनने से पहले आफत की बारिश बनती दिख रही है। लगातार बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर खुशियां दी हैं, तो कहीं कहीं किसान मायूस हो गए हैं, क्योंकि उनके खेत तालाब हो गए हैं। प्रशासन की जबरदस्त लापरवाहियों के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में सागर की अफसर टाकीज का अंडर ब्रिज जो ऐसे उफान पर है कि लोग भगवान का नाम लेकर इस अंडर ब्रिज से गुजर रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ और यहाँ पर फंस गया। गोडे गोडे तक पानी है और उसमें से निकल के मेरे को वहाँ तक जाना पड़ा। और जो ऑटो है, रिक्शा है, वो देखिए नाला आपके सामने, और इसका कोई इलाज नहीं हो रहा 10 साल। तो कई तहसीलों के नज़ारे आप देखकर चौंक जाएंगे, जहां नदियों जैसी रफ्तार से पानी बह रहा है। यह नज़ारे बाजार के हैं। लोगों के घरों में पानी ही पानी हो गया है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम की लापरवाहियों का आलम तो यह है, जैसे प्रशासन के नाम पर कोई चीज ही नहीं। वाह रे प्रशासन, अगर इसी रफ्तार से बारिश होती रही तो यह बारिश कयामत ढाएगी और प्रशासन हाथ पर हाथ पसारे बैठा रहेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।